वेलकम बैक टू एक्सोटिक बर्ड्स। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। कई सारे मुझे कमेंट्स भी आए थे कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में क्या फर्क है। सिंगल और डबल कोट में फर्क बताइए। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादातर मैक्सिमम 95% ट्रिपल कोट में काम कर रहा हूँ। कोई सा भी कलर रहे और किटन पे ही काम कर रहा हूँ। कोई सा भी कलर का रहे, कैलिको रहे, फाउंड रहे, ब्लैक, व्हाइट, जो भी एक्स वाई जेड रहे, मेरे पास 95% जो मैं लेता हूँ वो ट्रिपल कोट नहीं है। मगर एक मेरे पास डबल कोट भी आ गई थी, तो सोचा वीडियो आपको बना के बता दूँ कि ट्रिपल कोट में क्या फ़र्क है और डबल कोट में। सबसे पहले तो ट्रिपल कोट उसका बहुत ही ज़्यादा हेयर रहता है, जो भी उसका बाल है वो ज़्यादा रहते हैं, लंबे रहते हैं थोड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना 3 या 4 इंच के ट्रिपल कोट के रहते हैं। डबल कोट में आप ले लो तो डबल कोट के आई थिंक 1.5 से 2 इंच के उसके बाल रहते हैं। और सिंगल कोट भी आती है, सिंगल कोट बहुत, मैं तो फिलहाल तो डबल कोट नहीं लेता, तो सिंगल कोट तो बहुत दूर की बात है। सिंगल कोट वो होती है जो स्ट्रीट कैट्स आपकी जो आती है, जो भी आपको बाहर जो कैट्स देखने को मिलती है वो रहती है सिंगल कोट में, तो मैं आपको अभी बता दूँ। और एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि ट्रिपल कोट में एक लॉन्ग हेयर भी आता है, ट्रिपल कोट में लॉन्ग हेयर, जिसके नॉर्मल ट्रिपल कोट में उसके बाल थोड़े रहते हैं बड़े, मगर वो आपको चिपके चिपके लगेंगे कि वो है तो सही, मगर फिर भी थोड़े चिपके चिपके रहेंगे। जब आप उसको ऊपर से थोड़ा सा उठाने की कोशिश करोगे तो आपको जब पता चलेगा कि वो ट्रिपल कोट है, क्योंकि चिपके चिपके बाल रहते हैं। और एक आता है लॉन्ग हेयर ट्रिपल कोट, उसके बाल थोड़े अलग अलग रहते हैं। और एक शो क्वालिटी ट्रिपल कोट की भी आती है, उसके बहुत बड़े बड़े रहते हैं और अलग अलग रहते हैं। तो मेरे पास लॉन्ग हेयर में भी है, ट्रिपल कोट में भी है और डबल कोट में भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी भाई, हमारे पास जैसे कि ये देखिए, ये फीमेल है और ये मेल है, ये ऑलरेडी एक इनको अच्छा घर मिल चुका है। तो ये दोनों है ट्रिपल कोट में, ना ये मेल को तो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ये देखिए फीमेल है और एक और हमारे पास फीमेल है, वो है पीछे है उसको, तो देखिए ये कलर में है। ये ट्रिपल कोट लॉन्ग हेयर में है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी ट्रिपल कोट है, इसका एज थोड़ा बड़ा है और इसकी जो बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मीन से ये एक क्वालिटी अच्छी है इसकी, बोन्स बहुत ज़्यादा मस्त है। और ये भी ट्रिपल कोट में है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, मगर कंपेयर टू ये थोड़ी एज में उससे बड़ी है। तो ये है फीमेल। और एक जो है डबल कोट में, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही सिंगल पीस है डबल कोट में, वो मैं आपको बता दूँ, एक मिनट। और एक और ये है ट्रिपल कोट, ये ब्लू आईज में ट्रिपल कोट में मेल है, ये देखिए। और ये अराउंड मेरे ख्याल से 2 महीने के आसपास का है ये अभी, और जब मैंने इसको दिया था ये मेरे पास हफ्ते भर से, और ये भी एक जगह जाने वाला है, पक्का नहीं है मगर फिर भी देखते हैं कैसा क्या है। ये ट्रिपल कोट में है, ब्लू आईज में मेल है, ये आप ये देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, अगर आप किसी से भी ऐसा सोच रहे हैं कि लेने का और कैट्स आपके पास नहीं है, कैट्स दूर है, सिर्फ आपको वीडियो के बेस पे उसको लेना हो, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए, ये है डबल कोट में, जैसे कि मैं बोल रहा था डबल कोट में फीमेल है, और ये भी फीमेल है, ये इनसे थोड़ी बड़ी है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन बड़ी होगी, इससे ज़्यादा ये बड़ी है नहीं। ये देखिए इसके हेयर और इसके हेयर में आपको बहुत ही ज्यादा फर्क दिख जाएगा। ये फीमेल है ट्रिपल कोट में और ये डबल कोट में जो है फीमेल है ना। तो और जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर आपको बाहर से लेना है तो वीडियो के बेस पे आप देख के लेते हो, तो उसमें आपको कैसे पता करना है कि ट्रिपल कोट है। देखिए जो भी एक्स वाई जेड है आपसे ले उससे ले रहे हो, तो उसको ये बोलिए कि ये अगर ट्रिपल कोट में, तो उसको थोड़ा सा हवा का प्रेशर दीजिए, एक मिनट थोड़ा कैमरा पास में ला इसका, देखिए ये पहचान है इसमें, ये इजीली आपको इससे दिख जाएगा। मगर इसमें अगर डबल कोट में आप करोगे
ये थोड़ा बहुत दिखता है, ये आपको इतनी इजीली पता नहीं चलेगा। तो ये है भाई ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट में कलर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्लैक कलर हुआ, ब्राउन शेड, कैलिको, एक्स वाई जेड, कई सारी है। मेरे पास कैलिको भी है, ट्रिपल कोट में आने वाली है, फाउन कलर भी है, तो वो भी ट्रिपल कोट में। मैंने ब्लैक डबल कोट में बहुत ही काम लिया, तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा इनको पास ला। ये मैडम ट्रिपल डबल कोट में है और ये ट्रिपल कोट में, और इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये दोनों ऊपर से दिखा, इनको ऊपर से थोड़ा ऊपर करो, और ये देखिए तो ये है। एक छोटा सा कंसेप्ट था कि ट्रिपल कोट डबल कोट में क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको ये इजीली पता चल गया। ट्रिपल कोट में मेरे पास ट्रिपल कोट में ब्लैक है, ब्लैक भी है, ये आप देखिए ये दोनों सेम है, मगर ये थोड़ी एज में बड़ी है, तो ये आपको थोड़ी बड़ी भी दिख रही होगी, और एक्स वाई जेड इसमें क्वालिटी का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस टाइप की मेल है, इसका फीमेल मेरा पेयर ही लिया था, मेल कहीं और गया, फीमेल और कहीं और जाने वाली है। तो ये कंसेप्ट है, अगर किसी से भी आप ले रहे हो तो उससे वीडियो मंगवाइए ट्रिपल कोट में, थोड़ा उसको हवा का प्रेशर दीजिए तो उसके बाल वाल इधर उधर जाएंगे, तो वो मैं खुद पर्सनली ऐसा करता हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी ये बता दूँ। मेरा नॉलेज तो यही है, एंड तो ये है भाई ट्रिपल कोट और डबल कोट, बहुत ही कंसेप्ट सिंपल है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था मगर उनको प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी समझ में आने, तो सोचा वीडियो बना दे। एंड अगर और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्जॉटिक बर्ड्स के टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे कांटेक्ट करिए। कोई भी चीज़ अगर आपकी गेट्स को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो उनसे डिस्कस करिए, हो सकता है लेट रिप्लाई मिलेगा मगर मिलेगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, रात के 11 बजे के बाद आप कॉल ना करें, कुछ लोग 2 से 3 बजे तो रात को भी कॉल करते हैं, तो पर्सनल लाइफ भी है, जिनके पास भी हमारा फ़ोन रहता है तो उनकी पर्सनल लाइफ भी है, तो प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होगी। रात के 11 बजे के बाद मत करें और सुबह 10 बजे से पहले ना करें, इसमें आपको भी सही होगा और हमें भी होगा। अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वही नंबर व्हाट्सएप पर भी है, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको ज़रूर ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। एंड वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।